बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना है और मैं इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल और मैक्स हेल्थ में गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपको कैल्शियम की नीड जो है प्रेगनेंसी में उसके हवाले से थोड़ा सा बताऊंगी। कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मिनरल है हमारी बॉडी का, और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इससे आपको पता चल सकती है कि जो भी मोस्टली रिलेटेड हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, हर एक में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व्स के लिए, हार्ट के लिए, एंडोक्राइन हमारे जो सारे सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए, और बोन्स और टीथ की हेल्दी ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो डेली रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंटल कैल्शियम की, वो 1 ग्राम पर डे होती है, जो कि इंक्रीज हो सकती है अप टू 1.5 to 2 grams भी। जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन होती है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह इसकी जो बोन्स की यूरिनरी एक्सक्रीशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और जो बोनी टर्नओवर है प्रेगनेंसी में वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब जो फीटस की ग्रोथ होती है उसमें मदर से सारा कैल्शियम लेना होता है, जो इनिशियल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए रेकमेंड नहीं करते हैं कि उस वक्त इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। जूँ जूँ बेबी का बोनी स्केलेटन ग्रो कर रहा होता है उसके साथ साथ इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट 50 grams पर डे मदर से जो है वो फीटस ले रहा होता है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ के तकरीबन 330 grams पर डे तक हो जाती है। तो कैल्शियम जो होता है उसके नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और सप्लीमेंट्स भी होते हैं। नेचुरल सोर्सेज में जो है वो दूध है, योगर्ट है, दही, चीज़ है, सार्डिन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्स है, और इसी तरह के जो फ्रूट और वेजिटेबल्स में भी किसी हद तक होता है। जो कैल्शियम है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है, विटामिन D3, वो बहुत रिक्वायर नेसेसरी है, जिसका मेजर सोर्स जो है वो सनलाइट है। अब जो डिफरेंट सप्लीमेंट्स हैं उसमें भी विटामिन D3 एडेड होता है, ताकि फर्दर अगर किसी को सनलाइट या किसी वजह से D3 की डेफिशिएंसी है तो वो उससे कॉम्पनसेट हो सके। जो कैल्शियम है वो हमारे लिए इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रेगनेंसी में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो प्री टर्म बर्थ हो सकती है, फिर कुछ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, फिर बेबी की जो बोनी और टीथ की डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हो सकती है, पेशेंट्स को लो बैक एक की शिकायत रह सकती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, फिर इनको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में चूँकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और हमारा जो सोशल सेटअप है उसमें हमारी जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैं उनको इतनी अच्छी हेल्दी डाइट नहीं मिलती कि हर रोज़ दूध का इस्तेमाल करें या अपनी जो और ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो इस तरीके से पूरा कर सकें, तो हमें उनको सप्लीमेंट्स की फॉर्म में एडिशनल कैल्शियम देना पड़ता है। जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में आ रहा है वो दो तरह का यूजली आ रहा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन वैसे ज़्यादा होती है, लेकिन कैल्शियम सिट्रेट जो होता है वो GIT फ्रेंडली होता है और उसके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हेल्थ पॉइंट का ऑस्फिड नाम से एक सप्लीमेंट है हमारे पास, जिसमें कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में है और इसकी बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन है। इसमें इन एडिशन टू कैल्शियम विटामिन डी और सेलेनियम और जिंक भी एडेड है। तो ये एक होल कंपाउंड है कि आपको एक्स्ट्रा इसके साथ और सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं और बेबी की और मदर की दोनों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो हमें डिवाइडेड डोजेस में लेना चाहिए, 500 मिलीग्राम जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्वाइस लेना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ना होने की कुछ वजूहत होती हैं, जिसमें एक तो हमारा डाइट्री इनटेक लो होना होता है और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि उसकी कुछ डिजीजेज होती हैं या कुछ मेडिसन्स ऐसी होती हैं जो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। इसके अलावा आयरन के सप्लीमेंट्स के साथ या मल्टी विटामिन के साथ भी कैल्शियम को नहीं लेना चाहिए, उससे भी इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो हो जाती है। तो मैं ऑस्फिट जो है इसको रिकमेंड करती हूँ कि ये जो है फीमेल्स को प्रेगनेंसी में ये ज़रूर लेना चाहिए, ताकि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो जो नीड है वो पूरी हो सके। थैंक यू।